हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ अलग अलग मेडिसिन्स बताऊँगा एक ही वीडियो के अंदर। वो अलग अलग मेडिसिन्स आपको अलग अलग बीमारियों के लिए होंगी और उसमें एलोपैथिक मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, जनरली होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हो सकती हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हो सकती हैं। वीडियो में कम से कम 4 से 5 मेडिसिन बताऊँगा, क्या क्या रिव्यूज़ हैं उसके, क्या उसके रिजल्ट हैं, कैसे ली जाती है और कितने की वो मिलती है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये दोस्तों सबसे पहला वीडियो है, इसमें मैं आपको 3 4 5 मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ, टैबलेट्स बताने वाला हूँ कि कौन सी टैबलेट क्या काम करती है, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो हम टैबलेट लेते हैं उसका नाम है थंडर एम टैबलेट। इसकी हर टैबलेट की मैं पिक आपके सामने लगाऊंगा इस वाले वीडियो में। तो थंडर एम एक टैबलेट है जो कि होम्योपैथिक की भार्गव कंपनी बना रही है। होम्योपैथिक की कंपनी है भार्गव, उसकी एक टैबलेट बनी हुई है थंडर एम के नाम से, आपको सामने स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी। इसकी अगर आप 30 टैबलेट्स लाते हैं, ठीक है, 30 टैबलेट्स आप लाएंगे तो आपको लगभग 290 रुपीज़ की मिलेंगी। तो मतलब आपको एक टैबलेट 10 रुपये की मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं इसको कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए थंडर एम टैबलेट जो है काफ़ी अच्छी टैबलेट है जिनको सेक्सुअली वीकनेस है। सेक्सुअली वीकनेस में उनको कोई भी वीकनेस हो सकती है, उनके अंदर एनर्जी की कमी हो सकती है, उनके अंदर टाइमिंग की कमी हो सकती है, उनके अंदर इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब उनको सारी तरफ से इम्पोटेंसी हो गई है, सारी तरफ से उनको नपुंसकता आ रही है, ठीक है। मतलब इच्छाएं भी अगर पेशेंट की कम हो गई है तो वहाँ पर भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, कंटिन्यू में ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जब करना है आप उससे पहले लें, आधे घंटे पहले लें, ऐसा नहीं है। आपको जब करना है आप इसको कंटिन्यू में लेते रहिए। आपको करना है या फिर नहीं करना, आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जान लीजिए आप इसको किस तरीके से लेंगे। इस मेडिसिन के रिजल्ट अच्छे खासे मिल जाते हैं, लगभग 40-50% रिजल्ट मिल जाते हैं, क्योंकि थेरेप्यूटिकली मेडिसिन है। कोई भी दवाई अगर आप लेते हैं, चाहे होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक, तो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही आपको लेना है। चलिए इसकी हम डोज जान लेते हैं आपको किस तरीके से लेनी है। तो दोस्तों आपने इसकी 3 टैबलेट लेनी है पर डे, एक एक करके लेनी है। एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में और रात को भी आपको एक टैबलेट लेनी है। दिन में आपको 3 टैबलेट लेनी है, ठीक है। बिना पानी के आप ये दवाई ले लीजिए। अगर आपको कड़वापन लगता है तो आप इसको नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं। जो रात वाली खुराक है आप उसको दूध के साथ जरूर लीजिए, ठीक है। यह दोस्तों होम्योपैथी की नंबर एक मेडिसिन जो कि है थंडर एम टैबलेट्स, ठीक है। रिजल्ट इसके अच्छे खासे मिल जाते हैं। सेकेंड जो मेडिसिन है दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं एक टैबलेट की जिसका नाम है मैनफोर्स। ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि आपको 100 mg और अलग अलग mg में आपको मिल सकती है। ये क्या है, एक स्टूमुलेंट टैबलेट है। मतलब आपको जब सेक्स करना है तभी ये गोली आपको खानी है। आप इसको ऐसे नहीं खा सकते हैं कि जनरली आप जो है घूम रहे फिर रहे हैं आप जो है गोली खा लें, ऐसा नहीं करना है। आपको टैबलेट ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी है। सेक्स करने से लगभग आधा घंटे पहले या 20 मिनट पहले ये गोली आपको खानी है, ठीक है। इसकी आप 4 गोली लाएंगे तो लगभग 250 रुपये की आपको मिलेंगी। इसका जो मेन एक्शन वो हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए है, ईडी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है। ईडी की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंस्टेंटली रिजल्ट के लिए मेडिसिन है। अगर आपको नपुंसकता रहती है, अगर आपको तनाव नहीं आता है या आपको इच्छा कम है या फिर आपकी टाइमिंग काफ़ी कम है तो वहाँ पर ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई का एक्शन हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, खास करके पेनिस वाले एरिया में। अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, वहाँ पे ठीक से ब्लड सप्लाई होनी शुरू हो जाए, फ्लो बढ़ जाए, तो वहाँ पे तनाव आना शुरू हो जाता है और पेशेंट सेक्स करता है तो उसको काफ़ी इन्जॉयमेंट मिलता है। और उसके हिसाब से मेडिसिन पहले ले लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आप जनरली इस टैबलेट को नहीं ले सकते हैं। जो कमज़ोर पेशेंट हैं, जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उनको ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हैं आप उनसे ज़रूर सलाह मशवरा कीजिए अगर आप ये टैबलेट खाते हैं। कंटिन्यू में टैबलेट ये वाली नहीं लेनी चाहिए कि आप जब भी सेक्स कर रहे हैं आप तभी टैबलेट ले रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि पहले दिन से ही, मतलब आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट नाइट है उसी में ये टैबलेट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बहुत गलत करते हैं। एक डर की वजह से, एक फियर की वजह से वो टैबलेट ला के इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद वो 1-2 महीने तक वो टैबलेट खाते रहते हैं। उसके बाद जब वो छोड़ना चाहते हैं तो आके उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, इम्पोटेंसी क्रिएट हो जाती है। बिना मेडिसिन के उनको कुछ नहीं हो पाता है, उनकी डिज़ायर खत्म हो जाती है, इरेक्शन खत्म हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये टैबलेट काफ़ी सेंसिटिव है, इसको आपने डॉक्टर के सलाह मशवरा से ही लेना है। किसी भी और दूसरे नाम से आपको मिल सकती है, 100 mg में जनरली लोग इसको यूज़ करते हैं। यह दोस्तों सेकेंड टैबलेट। नंबर थर्ड टैबलेट है दोस्तों, इसमें नू फोर्स टैबलेट।
ये भी एक एलोपैथिक टैबलेट है, फ्लुकोनाजोल इसके अंदर आपको मिलेगा। इस ये भी जो टैबलेट है ये लगभग 150 mg में आपको मिलेगी, 200 mg में मिलेगी, 400 mg में आपको मिलेगी। ये टैबलेट क्या काम करती है, ये टैबलेट एंटी फंगल टैबलेट है, हमारे बॉडी के अंदर से जो फंगल इन्फेक्शन है ये उसको ठीक करती है, इसको रोकती है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जनरली आपकी बॉडी में कहीं पे दाद हो रहे हैं, गोल गोल रिंग बने हुए हैं, रिंग वॉर्म हो रहे हैं, बॉडी में कहीं पे भी हो रहे हैं, तो सबसे पहले ये ही मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो ये टैबलेट आती हैं, आप इसके 2 टैबलेट लाएंगे, स्टिक में 2 टैबलेट आपको मिलेंगी, जो कि आपको लगभग 22 रुपये की मिलेंगी। तो देखा जाए किस तरीके से ली जाती है, ऐसा नहीं कि आप इसको पर डे लें, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मैंने देखे हैं कि वो खुद से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो हर पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में ये टैबलेट खाते हैं, तो उनको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी किडनी और लीवर सबसे पहले डैमेज होते हैं, ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इस टैबलेट को आपने वीकली लेना चाहिए, हफ्ते में आप लीजिए, या फिर आप जो है अपने डॉक्टर के अनुसार ही आप लीजिए कि वो आपकी बीमारी कैसी है, आपको टैबलेट कब लेनी है, कि आपको वीकली लेनी है या फिर आपको विदिन 15 डेज लेनी है। ठीक है, वही आपको सजेस्ट करेंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से, या फिर जो आपके साथ में मेडिसिन चल रही हैं उसके हिसाब से। ठीक है, ये एंटी फंगल मेडिसिन है, फ्लुकोनाजोल इसके अंदर है, 150 mg से स्टार्टिंग इसकी होती है और ये दाद के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, काफ़ी सस्ती टैबलेट है, 10-12 रुपये की आपको एक टैबलेट मिल जाती है, जो कि आपको वीकली खानी है। चलिए दोस्तों, अगली टैबलेट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत कॉमन टैबलेट है, इसका नाम है दोस्तों कॉम्बिफ्लेम टैबलेट। ठीक है, ये भी एक एलोपैथिक टैबलेट है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं पे भी आपको कोई परेशानी हो रही है, सूजन आ रही है, फीवर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये वहाँ पे आपको रिलीफ देगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जो सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको कम करेगी। इसके अंदर दोस्तों 2 मेडिसिन है, आइब्रोफेन 400 mg में है, पैरासिटामोल 325 mg में है। ठीक है, 2 मेडिसिन का कंपोजिशन है। टैबलेट जो है गाँव में परचून की दुकान पे, जनरल स्टोर पे, सब जगह गाँव में मिल जाती है। ठीक है, तो देखा जाए तो पेशेंट जो है इसको बहुत कंज्यूम करते हैं, और देखा जाए तो लगभग 800 mg की, 725 mg की टैबलेट बैठती है, जो कि काफ़ी हार्ड टैबलेट होती है। इसके साइड इफेक्ट्स कुछ पेशेंट्स में हो जाते हैं आर्टिकेरिया वाले, कि पेशेंट को पित्ती उछलनी शुरू हो जाती है कॉम्बिफ्लेम खाने के बाद, अगर वो कंज्यूम करता है इसको कंटिन्यूसली। ठीक है, इसके सिरप भी आते हैं वैसे, और इसका स्प्रे भी आता है, यहाँ पे केवल टैबलेट की बात हो रही है। तो आप इसकी 20 टैबलेट लाएंगे तो ये आपको 40 रुपये की मिल जाएगी, क्योंकि 2 रुपये की एक टैबलेट है, इतनी महंगी नहीं है, इसलिए गांव-गांव में मिल जाती है, परचून की दुकान पे मिल जाती है, उठा के इसको दे देते हैं। किसी को फीवर है, किसी को दर्द है, चोट लग गई है, सूजन आ गई है, हाथों में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, तो वहाँ पे पेशेंट इसको खा लेते हैं, इंस्टेंटली इससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कंटिन्यू में आप इसको मत लीजिए, इससे आपको और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली टैबलेट की तरफ चलते हैं, जो कि है नीरी टैबलेट। ये एक आयुर्वेदिक की दवाई है और बहुत फेमस दवाई है, नीरी के नाम से आपको मिलेगी। इसके सिरप भी आते हैं और इसकी टैबलेट भी आती है, एमिल कंपनी इसको बना रही है। इसको आप लाएंगे तो 30 टैबलेट आपको मिलेंगी, लगभग 155 रुपये की 30 टैबलेट आप लाएंगे। ठीक है, इसको जनरली देखा जाए लोग यूज़ करते हैं इसको पथरी में, आपको पथरी है तो आपको नीरी लेना चाहिए, और दवाई के साथ भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको अगर सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहाँ पे इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस आपका अल्ट्रासाउंड मार रहा है, आप इसको वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रही है, बर्निंग मतलब आपको हर बार जलन हो रही है, चाहे यूरिन से पहले हो रही है, जलन यूरिन के बाद हो रही है, या फिर आपको कहीं और इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो रही है, सिस्टाइटिस हो रही है, नेफ्राइटिस हो रही है, यूरिथ्राइटिस हो रही है, तो आप इसको वहाँ पर टोटल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर बार बार अर्जिंग होती है पेशाब की, कि अभी आप पेशाब करके आए हैं, फिर से आपको पेशाब जाना पड़ेगा, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर धार बन के नहीं आ रही, जो फ्लो है वो ठीक से नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है, तो आप इसको वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। टैबलेट खाने में प्रॉब्लम है तो आप इसका सिरप भी ला सकते हैं, दोनों के रिजल्ट सेम मिलते हैं, दोनों के जो कंपोजिशन है वो सेम है। ठीक है, तो जान लेते आप इसको कैसे लेंगे। तो आपने इसमें देखेंगे आप इसकी 30 टैबलेट मिलती हैं, तो आप इसको लाइए, एक एक टैबलेट सुबह शाम आप ले लीजिए। मेरी ओपिनियन यही है, जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, जिस डॉक्टर से आपकी दवाई चल रही है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली आप ये टैबलेट अपनी मेडिसन्स में यूज़ कीजिए, अपनी मेडिसन्स में ऐड कीजिए। ठीक है, तो जनरल डोज इसकी आप एक एक टैबलेट सुबह शाम आप इसकी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 5 टैबलेट्स बता दी हैं, जो कि अलग अलग काम करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगले वीडियोस भी इसी तरीके में बनाने वाला हूँ,
तो आप बताइए, कोई भी मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इस मेडिसिन के बारे में डिटेल चाहिए, तो मैं आपको डिटेल जरूर दूंगा। दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।